अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग के कुछ और टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग में तीन और टूल्स हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें आपके पास इंटरफेयर, स्लाइस एंड थिकन, ये तीन आपके पास ऑप्शन है जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है इंटरफेयर। इंटरफेयर का फंक्शन ये होता है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उनमें से आप देखना चाहते हैं कि कौन सा एरिया इसको इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप वो एरिया यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया इसको इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक मैंने एरिया लिया और एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर इस तरह बॉक्स को लेता हूँ और यहाँ से यहां तक ड्रॉ कर लेता हूं। अब इसका बीच का जो एरिया कौन सा इंटरफेयर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया वो इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है, तो वो देखते हैं हम कौन सा एरिया इंटरफेयर कर रहा है। तो उसके लिए आप जो है तो इंटरफेयर पे क्लिक करेंगे, अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर। तो देखिए आपको बता रहा है कि ये वाला एरिया क्या कर रहा है, इसमें इंटरफेयर कर रहा है। अगर आपके पास और भी काफी सारे एरिया, आपको देखिए फर्स्ट सिलेक्ट हो चुके हैं, सेकंड भी सिलेक्ट हो चुके हैं, दोनों जो ऑप्शन है उनके एक एरिया जो है, तो फाउंड कितने एरिया जो इंटरसेक्ट करें वो फाउंड में, वो भी आपको यहाँ पर बता दें। नेक्स्ट और प्रीवियस का क्या फंक्शन है, प्रीवियस करेंगे तो पिछला एरिया बता देगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट एरिया बता देगा। तो आप बस बेसिकली एक ही फिलहाल जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इसने बता दें, यहाँ पे क्लोज कर लें। अगर आप यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है मैं फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके लिए मैं यूनियन कमांड अप्लाई करता हूँ, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया मेरे पास। मैं इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, बॉक्स, अब मैं देखता हूँ कौन सा एरिया इसमें जो है तो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब देखें कौन सा एरिया जो आपस से इंटरफेयर कर रहे हैं, वो सारा का सारा बता दे कि ये वाला एरिया क्या कर रहा है, इसके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव कर लें, मैं एंटर करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ, अब जो एरिया इंटरफेयर कर रहेगा वो भी आपको बता देगा। ये फर्स्ट को सिलेक्ट किया स्पेस, सेकंड को सिलेक्ट किया स्पेस, ये वाला एरिया इंटरफेयर कर रहा है, देखिए वो बता रही है। तो भी जो एरिया इंटरफेयर कर रहे कर रहे वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे स्लाइस। स्लाइस बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट को अगर आप काटना चाह रहे हैं, स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, काट के उसके अंदर का एरिया देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्लाइस का ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक जो है तो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, बाकी यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैं स्लाइस में करके मीन काट के तो मैं इसका अंदर वाला एरिया देखना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप स्लाइस कमांड आप यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जो है तो एक ये स्लाइस पे क्लिक करता हूँ, अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ और फिर कौन से एरिया को काटना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इस एरिया इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं इसको काटना चाह रहा हूँ, और काटने के बाद आप एंटर प्रेस करें तो देखिए ये वाला अलग हो गया हिस्सा और इसका ये वाला अलग हो गया हिस्सा। आप मूव कमांड अप्लाई करके आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह अगर आप देखें तो अब ये मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक जो है तो इसके फ्रंट में एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से व्यू में जाता हूँ और इसके फ्रंट व्यू में आता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ किया, प्रेस पुल कमांड की मदद से मैं इससे क्या करता हूँ सॉलिड एडिटर में जाता हूँ, प्रेस पुल कमांड की मदद से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको पीछे ले जाता हूँ।
मीन काट दिया मैंने सर्कल बीच में का एरिया, मैंने इसका क्या कर दिया काट दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से स्लाइस मार्क पे क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट में लेके आता हूँ उसको, एंटर करता हूँ, दोबारा से स्लाइस कमांड लेता हूँ यहाँ से, इसका जो व्यू है उसमें हम उसे दोबारा से हम जाते हैं और यहाँ से इसको व्यू जो इसको टॉप व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से दोबारा से मैं स्लाइस कमांड लेता हूँ, सॉलिड में स्लाइस कमांड ली, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस किया और फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक इसको सिलेक्ट करके काट दिया। तो आप देखें ये वाला एरिया इसका कट गया, इसको मूव करता हूँ मैं, और इसको यहाँ से उठाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो एरिया आप देखें स्लाइस हो चुके हैं तो उसके बारे में देखिए बता रहे हैं कंप्लीट, और यहाँ से आप यहाँ से टूल नहीं और यहाँ से देख सकते हैं। तो मेन स्लाइस करके आपको बता देते हैं, काट के आपको बता देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को काटना चाहे तो आप इस तरह स्लाइस की मदद से काट सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है थिकन। इसका ऑप्शन क्या होता है कि जो सर्फेस आपके पास होते हैं प्लानर सर्फेस जो होता है, जो कि आप यहाँ पे देखें ये वाला प्लानर सर्फेस है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, ड्रॉ किया सर्फेस मॉडलिंग, पूरी एक मॉडलिंग है, तो ये मैंने कहा था कि मैंने चल आपको 3D मॉडलिंग में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो जो मैंने सर्फेस एरिया मैंने लिया है तो ये बेसिकली इसी थिकन आप बढ़ाना चाहें तो आप जो तो आप यहाँ से थिकन पे क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कन्वर्ट अ सर्फेस इनटू 3D सॉलिड विद अ स्पेसिफाइड थिकनेस, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, कह रहा है कि आपने कितना इसको बढ़ाने, कितनी इसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो मैं इसको देता हूँ 10 फीट, इसको मैं थिकनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ 10 फीट देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए इसकी 10 फीट थिकनेस क्या होगी, यहाँ पे ये बढ़ चुकी है। तो ये आपके पास क्या होता है जी, आपके पास थिकन कमांड का ऑप्शन होता है। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।